हेलो एवरीवन, सैमन दिस साइड। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको सबसे फर्स्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के रिस्क होते हैं। तो एक रिस्क की बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्शियल रिस्क। अभी आपने कहीं पे पढ़ा होगा या तो सुना होगा या तो आपने कॉलेजेस में देखा होगा, एमबीए में पढ़ाते हैं अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस का कर चुके हो या तो कोई आपको बताता होगा। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? जो कॉमर्शियल रिस्क होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर, ये तब होता है जब आपको लैक ऑफ नॉलेज हो। ठीक है, मतलब आप जिस भी मार्केट में एंटर करना चाहते हो वहाँ के आपको नॉलेज ही नहीं है, बट आप एंटर कर रहे हो। कैसे? जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा यूट्यूब पे कि लोग दुबई में प्रेफर करते हैं कि आप अपना अनियन बेचो, ऐसा करो वैसा करो, अलग इन मार्केट में कमीशन किस पे। बट डू यू रियली थिंक कि प्याज बेचना एक कमीशन बेसिस पे इसको एक्सपोर्ट में कंसिडर? आई नो यू आर सेलिंग योर गुड्स टू द ओवरसीज, आप बेच रहे हो, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मार्केट में बेच रहे हो, वो अपना 5% कमीशन लेके, फिर आपको भी नहीं पता होता बेचना किसका है। तो कॉमर्शियल रिस्क में कैसा होता है कि यू शुड नो बिफोर एंटरिंग इन टू बिजनेस कि करना क्या है, व्हाट विल बी योर सेल्स चैनल, आपको बेचना किसको है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा फोकस वही होता है कि भाई कंसाइनमेंट लो और अपना कुछ भी करो। सो एवरी स्टेजेस आर डिफरेंट कि आप अगर इंपोर्टर को बेच रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हो, आप लाइक होता ना लाइक एजेंट को बेच रहे हो, आप होलसेलर को बेच रहे हो, रिटेलर को बेच रहे हो अलग, फिर आपके सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स आते हैं। इसके अलावा आप कमीशन एजेंट्स को दे सकते हो या तो आप रेस्टोरेंट्स को दे सकते हो ना, कैटरिंग कंपनीज को दे सकते हो। सो यू शुड नो कि मैं किसको बेच रहा हूँ और एंटर कैसे करना है, क्योंकि हमेशा आपका पैकिंग वगैरह ये डिफरेंट करेगा डिफरेंट कैटेगरी। होलसेल को बेचोगे 50 किलो के आप बैग्स बेच सकते हो, पैरिशेबल आइटम का इनकी बात करो। और जैसे आप मार्ट में जाते हो, इट कम्स विथ लाइक 3 किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग, 7 kg की, 10 kg की। सो डिफरेंट स्टेजेस हैज डिफरेंट पैकिंग, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स वो मैटर करते हैं। एक तो वो रिस्क होता है कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि कैसे एंटर करना है, ठीक, क्योंकि आपको उनका कल्चर भी नहीं पता है कि हर कल्चर का एक रोल होता है, आपको स्टडी करना ही करना है। हम लाइक एज इंडियन हम सिर्फ देखते हैं, बस गूगल पे सर्च करते हैं कि इम्पोर्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, और हम डायरेक्ट सर्च करना शुरू करते हैं, उनको मेल्स करना, इंडियन एम्बेसी से डिटेल लेना, ये वर्थ इट नहीं है भाई इस चीज़ को समझना, बिकॉज लाइक ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो एक तो कॉमर्शियल रिस्क हो गया, उसमें आपका कि ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक, उसमें आता है कि एडेप्टेबिलिटी, कि एडेप्ट करने के लिए कितना रेडी है। अब वो कैसा होगा कि आप एक तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो या आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कुछ प्रोडक्ट है, फिर एक चीज़ आती है, या तो आप उनको क्वालिटी प्रोवाइड करो या तो उनको क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी भी करता है बट क्वालिटी, अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें और आप में डिफरेंशिएट क्या है, राइट। तो आपको यूनिक तो बनना पड़ेगा ना, तो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट आप उसमें वो देखो। अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसा आप बोलोगे कि नहीं बाकी की दुनिया में जैसे राइस कर रहा है, तो राइस में क्या आप यूनिक सेलिंग पॉइंट करोगे? फिर वहाँ पे आप करोगे या तो उसका आप रेट के ऊपर अच्छा काम कर पाओगे, सेकंड चीज़ या तो आप पैकेजिंग कितना अच्छा है, ठीक है। एक ये दो चीज़ हो गई। थर्ड एडेप्टेबिलिटी में क्या आता है कि सपोज आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, बट आप ऐसे कपड़े बना रहे हो जो फैशन में नहीं है, ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं जा रहे, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आप समर के टाइम विंटर के बेच रहे हो, विंटर के टाइम कुछ और का बेच रहे हो, और उस कल्चर के हिसाब से भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। लाइक आप जैसे बुरखा सेल कर रहे हो या किसी जैसे रशिया में करो, तो ऑल टाइम आपको ठंडी हो, तो विंटर के हिसाब से आपको कितना मतलब उसका क्वालिटी वगैरह वो चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। थर्ड इसमें आता है कॉमर्शियल में आपका कि एक डिस्टेंस, कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है आपने भेज दिया एंड उसका बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम रिड्यूस कैसे करोगे आप लॉजिस्टिक के हिसाब से, एक वो रिस्क आता है कॉमर्शियल इसमें। और एक क्या आता है, जैसे आप एक पॉइंट बताओ कि अप टू डेट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उस कंट्री में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। अभी किस हिसाब से बता रहा हूँ, सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हेडफोन, ठीक। अब पहले ज़माने में आता था ना, लोग तारे वगैरह लाइक वो वायर होती थी आपकी, कॉर्ड्स वगैरह वो लगा के आप वो करते थे, खराब हो गया तो वो निकल जाता था, तो लोगों ने कैसे ब्लूटूथ पे आए बड़े बड़े वो हेडसेट पे, अब उससे अभी छोटे छोटे हेडफोन्स आए, तो वो हर चीज़ में आप कितना टेक्नोलॉजी साउंड करता है आपका, आप कितने एडवांस हो। तो कॉमर्शियल इसमें हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट में आपको स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका R&D कितना है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, कि वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये है कॉमर्शियल रिस्क। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गिव मी अ कॉल, सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।